हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी मेरी तरह सर्दियों का कुछ पता ही नहीं चल रहा, या फिर आपने विंटर शॉपिंग की तो आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि एज पर इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिसंबर का जो टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल रहने वाला है। और वहीं हम नवंबर की बात करें तो साल 1901 के बाद ये थर्ड वार्मेस्ट मंथ बन गया है अभी तक का, 1901 के बाद। इन सब के पीछे कोई एक रीज़न ज़िम्मेदार नहीं है, तीन रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न है एल नीनो फेनोमेनन, जो आज की वीडियो में हम बेहतर तरीके से समझेंगे। दूसरा रीजन है मेडिटेरियन रीजन, यानी कैस्पियन सी, ब्लैक सी के ऊपर से आने वाला एक विंड का टुकड़ा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तौर पे जानते हैं। इसके वजह से विंटर्स में बारिश होती है और उससे पहले क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो अर्थ की जो आउटगोइंग रेडिएशन है उसको ट्रैप करके वहाँ का टेम्परेचर अप कर देता है। थर्ड रीजन है बे ऑफ बंगाल में आने वाला साइक्लोन मिशोंग, इसकी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है और टेम्परेचर अप हो गया है। नाउ इन सभी के वजह से अगर कंडीशंस मेंटेन रहती है इसी तरह, तो 2023 अब तक का अर्थ में सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला वर्ष बन जाएगा। तो इसके कंटेक्स्ट में आज हम समझेंगे एल नीनो फेनोमेनन। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो डू वॉच अदर वीडियोज एज वेल। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो को हम एल नीनो सडन ऑसिलेशन भी बोलते हैं, एनसो यानी एल नीनो सडन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज अ टर्म, अगर आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम जो मूवमेंट करता है उसको ऑसिलेशन कहते हैं, फ्रॉम वन टू सेकेंड प्लेस। तो इस ऑसिलेशन को एल नीनो के कंटेक्स्ट में अगर हम समझे, तो यहाँ पर टेम्परेचर का एक जगह से दूसरी जगह जाना यानी कम या ज्यादा होना ही ऑसिलेशन यहाँ पर समझा जाता है। दैट्स वाई वी कॉल एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। अब हमें यहाँ पर एल नीनो को समझने के लिए किसी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक इमेज से हम सारे जो फीचर्स हैं, फैक्टर्स हैं, उसको समझ सकते हैं। होता क्या है, दिस इज इक्वेटर, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका एशिया है, उसके बीच में पैसिफिक ओशियन है। इक्वेटर की दोनों साइड ट्रेड विंड्स होती है, हमें ये मालूम है। ट्रेड विंड्स यहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, तो इस ट्रेड विंड्स की वजह से जो ओशियन करंट्स के स्पीड में अंतर आता है, उससे ही हम एल नीनो और ला नीना को समझ सकते हैं वेरी इजीली। यहाँ पर हो रहा है कि ट्रेड विंड्स लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड्स है वो बहुत ही कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके वजह जो ओशियन करंट्स हैं उनका डायरेक्शन या स्पीड बहुत कम हो जाता है, और ओशियन करंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूवमेंट करने लगता है। नाउ इन नॉर्मल कंडीशन होता क्या है, ट्रेड विंड्स की वजह से ये जो ओशियन करंट्स है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन ट्रेड विंड्स के कमज़ोर होने की वजह से ये मूवमेंट अपोजिट हो जाती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। पैसिफिक ओशियन का ये जो बीच वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास हमें पता है कि डायरेक्ट सनलाइट की वजह से ओशियन या फिर लैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इन कंपैरिजन टू पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल या फिर सेंट्रल पार्ट्स। तो इस गर्म एरिया को, यानी गर्म पानी को, ये जो ओशियन करंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ धकेलता है। धकेलते हुए साउथ अमेरिका की तरफ ये वाटर कलेक्ट हो जाता है, यहाँ आके रुक जाता है। आप ये जो रेड कलर की ओशन करंट या जो ये कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है गर्म पानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आ रहा है। यहाँ पर ये पानी जमा होने के बाद होता क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है लो। लो टेम्परेचर होने के वजह से यहाँ बारिश होती है, और जो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, जिसको हम बोलते हैं अपवेलिंग, वहाँ अपवेलिंग नहीं होती है, क्योंकि अपवेलिंग के लिए कोल्ड वाटर जो है वो वार्म वाटर की तरफ मूव होता है, एंड यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पाती है, अपवेलिंग नहीं होता। और अपवेलिंग होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होते हैं अंदर, जो ठंडा पानी होता है, वह ऊपर नहीं आता, और यहाँ प्लैंकटन्स नहीं बनते। प्लैंकटन्स क्या होते हैं? समुद्री घास फूस जो पानी के ऊपर उगते हैं, और ये मछलियों का खाना होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फिश जो है प्रोडक्शन वो लो हो जाती है। ओके, खाना नहीं है, फिश यहाँ पर नहीं है, फिश कैचिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ये तो साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड यानी चिली और
पेरू पेरुवियन कोस्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब हम जाते हैं वेस्ट की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया गर्म पानी तो यहाँ हो जाता है ठंडा पानी मूव। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है टेम्परेचर हाई, हाई प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर सूखा पड़ जाता है क्योंकि मॉइस्चर नहीं है हवा में, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो बारिश भी नहीं है। एंड दैट्स वॉट ऑल्सो इम्पैक्ट इंडियन मानसून। हाउ? यहाँ पर इंडियन ओशन की बात करें हम तो यहाँ पर मेडागास्कर या मस्करीन आइलैंड है अगर आपको याद होगा। तो इस आइलैंड में इसकी वजह से अगर यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ अभी हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है तो यहाँ एक जो हवा का झोंका होता है वो इस तरफ मूव करता है मस्करीन आइलैंड की तरफ या फिर मेडागास्कर की तरफ मूवमेंट होती है। यहाँ का भी जो प्रेशर है वो लो हो जाता है जिसके वजह से यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून का डायरेक्शन है वो उतनी जोर से पुश नहीं हो पाता। डायरेक्शन सेम रहता है, स्पीड बहुत कम हो जाती है और कंक्लूजिंगली क्या होता है कि यहाँ पर बारिश कम होती है, मानसून भी वीक हो जाता है, ड्रॉट यानी अकाल पड़ सकता है, गर्मी और ज़्यादा गर्म हो जाती है और विंटर्स का महीना भी गर्म होता है। सो दिस इज दी एल नीनो फेनोमेनन। अब आते हैं हम लानीना में। लानीना में एग्जैक्टली अपोजिट होता है। नॉर्मल कंडीशंस को अगर हम बढ़ा देते हैं, एग्जबरेट कर देते हैं तो लानीना कंडीशन फॉर्म हो जाती है। यानी यहाँ पर ट्रेड विंड्स जो हैं वो पानी को ईस्ट से वेस्ट की तरफ धकेलते हैं, लेकिन यही कंडीशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लानीना फेनोमेनन क्रिएट होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो हाई प्रेशर बन रहा होता है वो लो हो जाता है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में जो लो प्रेशर था वो हाई हो जाता है। अब यहाँ पर चीज़ें एकदम अपोजिट हो गई, यानी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक्सेस बारिश होगी क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है हवा में और यहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर भी जो है एक हवा का झोंका है मेडागास्कर पहुँचता है और वहाँ से फिर इंडियन मानसून को भी पुश मिलता है जिसकी वजह से बारिश बहुत अच्छी होती है, अकाल नहीं पड़ता, मानसून आर गुड फॉर फार्मर्स और फिर ठंडी भी नॉर्मल होती है, सर्दियाँ नॉर्मल होती हैं। तो इस तरह से लानीना फैक्टर इंडियन मानसून को भी इम्पैक्ट करता है और यहाँ जो पैसिफिक ओशन में है वो तो शायद आप समझ ही गए होंगे, करेक्ट। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर ठंडा पानी है, एक चीज़ समझते हैं, ठंडे पानी के होने की वजह से यहाँ पर अपवेलिंग अच्छी होती है जिससे जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है वो गर्म वो ऊपर आता है और यहाँ पर फिश कैचिंग बहुत इम्प्रूव हो जाती है जिसकी वजह से पेरुवियन कोस्ट और चिली कोस्ट के फिशरमैन काफ़ी खुश रहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट लानीना इज। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ लानीना एंड एल नीनो। तो एल नीनो को स्पैनिश में कहते हैं एल नीनो, लेकिन उसका मतलब होता है लिटिल बॉय, जो जीसस को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 16th century में जो पेरिवियन फिशरमैन है उन्होंने देखा कि हर एक 5 से 7 साल के बीच में जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है, फिशेस भी नहीं मिल रही हैं, तो उन्होंने देखा कि ये चीज़ जो है वो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसीलिए उन्होंने याद रखने के लिए इसको एक नाम दे दिया एल नीनो। और लिटिल बॉय क्यों दिया? क्योंकि ये जो फेनोमेनन है वो दिसंबर से फेब तक चल रही थी, तो दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस आता है, इट्स अ टाइम ऑफ जीसस, तो जीसस के नाम पे रख दिया लिटिल बॉय। लानीना क्यों रखा? बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ एल नीनो एंड दैट्स व्हाई लिटिल गर्ल। ओके, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, डोंट फॉरगेट इट। लिटिल गर्ल यानी ठंडा बोल सकते हैं या कोल्ड बोल सकते हैं, और यहाँ पर एल नीनो मतलब वार्म, वार्म इज रिलेटेड टू एल नीनो, कोल्ड इज रिलेटेड टू लानीना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल वे, एल नीनो लानीना और विंटर का कनेक्शन, इंडियन क्लाइमेट पे इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सी यू सून, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो वॉच अदर वीडियोज एज वेल। थैंक यू सो मच।